आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर बाहर आने का टाइम हो गया, आ जाओ। खाओ 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 दोस्तों। माशाल्लाह पायलट के आगे और उसके गैंग के आगे दाना वगैरह फेंक दिया दोस्तों। जो ये वाली मुर्गी है ना ब्राउन, ये बाकी कभी इस साइड आ रही कभी उस साइड जा रही है, इसको समझ नहीं आ रही मैं पानी पीऊँ या दाने खाऊं। तो अभी फेंक देते हैं दाना राजा के आगे भी। ये लो राजा जी थोड़ा सा दाना खाओ, बाकी तुम्हें बाजरा खिलाएंगे। दोस्तों बादशाह के आगे भी दाना फेंक देते हैं थोड़ा सा, फिर इसको बाद में खिलाएंगे बाजरा। ये लो जी आप भी आ जाओ दोस्तों। ये मुर्गा भी आज इधर ही है तो घूमने फिरने नहीं गया कहीं बाहर, तो इसके आगे भी दाना वगैरह फेंक देते ताकि ये भी खा ले। और दोस्तों जो माशाल्लाह बादशाह के साथ मुर्गी होती है ना कोई, ठीक है वो भी दे रही है अंडा, इसलिए उसको अलग बंद किया हुआ ऊपर, तो वो जब अंडा देख बह रहेगी तो उसको भी दाना वगैरह डाल देंगे ताकि वो भी खा पी ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। दोस्तों अब अभी बाहर आके सबसे पहले पायलट के आगे और राजे के आगे और बादशाह के आगे दाना वगैरह फेंक दिया, उसके अलावा देसी मुर्गियाँ तो पानी पी रही हैं, और जो बादशाह के साथ मुर्गी होती है ना वो दे रही है आज माशाल्लाह अंडा। तो अभी चलते हैं तो करते हैं चेक कि उसने अंडा दिया या नहीं दिया, तो अगर अंडा दे दिया तो उसको निकाल के बाहर छोड़ते हैं बादशाह के साथ। और माशाल्लाह जी ये देखें जो हमारी कोइन है इसने अंडा वगैरह दे दिया, और ये अंडा दे के इधर साइड पे खड़ी हो गई है, तो अभी इसको छोड़ते हैं बादशाह के साथ। तो वो देखें माशाल्लाह इसने दे दिया अंडा अपना। दोस्तों कोइन को भी कर दिया बादशाह के साथ बंद, और जो ये वाला मुर्गा ना हमारा इसको मैंने फेंका था दाना ये यहाँ पर, ठीक है जहाँ पे अभी पायलट खा रहा है, तो पायलट ने क्या कहते हैं आके इसको यहाँ से दिया भगा, और पायलट अपना दाना छोड़ के वहाँ पे जाके जो वो वाले मुर्गे का दाना खाने लग गया, ठीक है। तो इसको यानी डरा के इसने भगा दिया इधर से। तो जो पायलट है ये सब के साथ ही पंगे करता है, कभी बादशाह के साथ पंगा करता है कभी उस मुर्गे के साथ, और जब हम रानी को बाहर निकालते हैं और उसके चूजों को तो उनके साथ ही पंगा करता है, कबूतरों के साथ ही पंगा करता है। तो अभी जल्द जल्दी ये पायलट दाना वगैरह खा लेना, तो फिर इसको करते हैं बंद और फिर कबूतरों को निकालेंगे बाहर। तो अभी चलते हैं जाकर रानी को और अर्बन गैंग को बाहर निकालते हैं, क्योंकि रानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो अभी इनको निकालते हैं बाहर ताकि ये भी घूम फिर लें। देखें माशाल्लाह अर्बन गैंग के सारे चूजे एक्टिव हैं फुल, और अभी इनके आगे भी फेंकते हैं बाजरा वगैरह और रोटी वगैरह फेंकते हैं ताकि ये भी खा पी लें। अलावा माशाल्लाह कबूतरों के खुडे में से ना दोस्तों कबूतरों के बच्चों की आ रही है आवाज़ें चू चू की, तो माशाल्लाह कबूतरों के बच्चों का ना साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा चेक करते हैं हमारी एक कबूतरी ने कल दिए थे अंडे, तो वो अंडों को सही तरह इनको बेट कर रही है नहीं कर रही, और उसके बाद स्नो को भी निकालना है बाहर। तो ये देखें माशाल्लाह अर्बन गैंग के चूजे इधर पानी वगैरह पी रहे हैं और मुर्गी उधर पहुँच गई दानों के पास। तो इससे पहले ये दाने खाएं हम जल्द जल्द जाकर इनके आगे बाजरा फेंकते हैं और गिली रोटी फेंकते हैं या चावल वगैरह फेंकते हैं ताकि ये वो खा लें और दाने वगैरह ना खाएँ। ये लो जी रानी इधर आओ उस साइड ना जाओ, ये लो खाओ इधर। दोस्तों राजे के लिए भी दाना वगैरह तैयार कर लिए और बादशाह के लिए भी, तो अभी ये रखते हैं पहले राजे के आगे क्योंकि डेली डालते हैं बादशाह को पहले, तो आज डालेंगे राजा जी को पहले। राजा जी खाओ, तो राजा खा लेगा उसके बाद ये डालेंगे कोइन के आगे और बादशाह के आगे, और उसके बाद ये देखें माशाल्लाह अर्बन गैंग के चूजे वगैरह जो है ना ये सारे फुल एक्टिव, और ठीक है कोई दाना खा रहा है कोई बाजरा खा रहा है और कोई उबले हुए चावल खाने में मसरूफ है, सारे माशाल्लाह फुल एक्टिव हैं। और ये मुर्गा भी पंगे कर रहा है रानी के साथ, तो रानी को भी ये जानता नहीं है, ये जो रानी है ना ये मारेगी इसको उड़ के और ये डर जाएगा एक दफ़ा। तो अभी ये जल्द जल्दी खा लेना यहाँ से, खाने के बाद फारग हो जाए तो फिर हम निकालेंगे कबूतरों को भी बाहर, और उसके अलावा चुनू मुन्नू के लिए ब्रीडिंग सिस्टम भी अभी तैयार करना है, काम आज काफ़ी ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिल्ली कल की गायब है, उसके बाद यहाँ पर नहीं आई, तो मेरे ख्याल से वो डर गई है काफ़ी ज़्यादा। देखिए माशाल्लाह कुछ ठीक है चूजे यहाँ घूम रहे हैं और कुछ वहाँ घूम रहे हैं फुल आज़ाद, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। तो अभी राजा जी भी दाना खा रहा है, उसके बाद इसको डालते हैं और कबूतर को भी बाहर निकाल लें। दोस्तों माशाल्लाह रानी यहाँ से दाना वगैरह खा के ना अर्बन गैंग को लेके वो पहुँच के आगे, ठीक है उस साइड। तो अभी यहाँ पे सिर्फ पायलट घूम रहा है और साथ उसके देसी मुर्गियाँ घूम रही हैं। तो अभी हम चलते हैं जल्द जल्द जाके कबूतरों को बाहर निकालते हैं ताकि वो भी दाना वगैरह खा लें और कबूतरों को करते हैं बच्चे चेक। तो दोस्तों माशाल्लाह बच्चों को साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, मैं दिखाता हूँ भी आपको, तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि अभी 3 दिन हुए और ठीक है बच्चों को साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह अंदर से ना चू चू की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये देखें माशाल्लाह कबूतर भी साइड में बैठे हैं बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको जल्द जल्दी बाहर निकालते हैं ताकि ये दाना वगैरह खा लें, क्योंकि जो ये वाले कबूतर है ना इन्होंने शायद अपने बच्चों को फीड करानी हो, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हम जल्द जल्दी अभी साइड पर होते हैं ताकि जल्द जल्दी आके ये दाना वगैरह खाएँ और अपने बच्चों को फीड कराएँ। माशाल्लाह चेक करें ज़रा
ये पायलट को करना पड़ेगा बंद, क्योंकि इसने भी मारा व्हाइट वाली कबूतरे को, ठीक है। और देखें ज़रा उसके इसने पर ना काफ़ी ज़्यादा उतार दिए, तो ये करते हैं किसी किसी के साथ पंगे, तो इसलिए मैं इसको बंद रखता हूँ, ठीक है। तो अभी इसने इतना ज़ोर से मारा ना इस व्हाइट वाले कबूतर को, तो ये देखें ज़रा उसके सारे इसने पर उतार दिए। दोस्तों अभी आपको कराते हैं बच्चे चेक, और ये देखें माशाल्लाह दोस्तों कबूतरे ने दो अंडे दे दिए, और दोनों को ये इनक्यूबेट भी कर रही होती है। तो अभी ये देखें माशाल्लाह दोनों बच्चे ठीक हैं बिल्कुल, और आराम से कौन से बैठे हैं। तो इनको भी मैं हाथ में उठा के चेक करता हूँ, माशाल्लाह आंखें भी खोलना स्टार्ट कर दी दोस्तों, और पोटे भी दोनों के फुल हैं। ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही नरम है ये, ठीक है, और बहुत छोटा है अभी, ठीक है। देखने में लग रहा है कैमरे में छोटा है, लेकिन माशाल्लाह वेट भी ठीक है इसका, और साइज़ वगैरह में भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि अभी तो इसको 3 दिन हुआ है सिर्फ। तो ये दोनों इसको छोड़ देते हैं अभी इधर, ये पीछे जाओ पीछे पीछे पीछे, ये दोस्तों आगे आ गया काफ़ी, इसको इधर बैठाते हैं इसके साथ ही, ताकि कबूतरी ने फीड वगैरह करानी होगी तो वो सही तरह इसको करा दे। तो आपने जगह चेंज कर दी तो इस तरह ना होगा इसकी फीड भी कराने में कबूतरी को मसला बने। तो अभी हम जाते हैं बाहर, ताकि कबूतरों ने दाना वगैरह खा के अंदर आना होगा तो वो अंदर आ जाए और इनको फीड वगैरह करा ले। ये देखें माशाल्लाह वो पहुंच गए कबूतर, ये देखें ज़रा पायलट काम, वाइट कबूतरी को मारते बाकी कुछ भी नहीं कहता, तो वाइट कबूतरी को हमें रखना पड़ेगा ख्याल। दोस्तों राजे ने भी दाना खा लिया और ये खड़ा हो गया खा के, तो अभी ये उठा के रखते हैं बादशाह के आगे और कोइन के आगे, क्योंकि ये भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं दाना का काफ़ी टाइम से। ये लो जी खाओ। तो ये देखें ज़रा ओए पायलट को दोस्तों करते हैं बंद, कहीं ऐसा ना हो या किसी कबूतर को कर दे जख्मी, इससे पहले नुकसान हो, तो इसको करते हैं बंद ताकि कोई पंगा वगैरह ना हो। चलो अंदर चलो 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 चलो, ये अगर आराम से रहे ना तो फुल सुकून हो जाएगा। ये करते हैं किसी के साथ पंगे, तो इसको बंद करना ही बेहतर है। चलो इधर बादशाह ने और कोई ने दाना वगैरह खा लिया, तो ये भी रखते हैं जाकर चुन्नू मुन्नू के आगे, और चुन्नू मुन्नू को भी आज खिलाएंगे दाने ही, क्योंकि वो भी घास वगैरह खा के चारा वगैरह खा के थक गए होंगे, तो आज चुन्नू मुन्नू के मुंह का भी जायका चेंज करते हैं दोस्तों। ये लो चुन्नू मुन्नू आज बाजरे खाओ। दोस्तों मैं लेके आया हूँ ना बाजरा, और चुन्नू मुन्नू देखें जरा किस तरह सामने आ गए, इनको ना हर चीज़ की खुशबू आ जाती है, और ये दस्ती में लेके आता हूँ ना तो दस्ती आते हैं बैरिया लो जी इधर पड़ा है, वो खाओ और आगे चक्की नहीं काट रही दोस्तों। माशाल्लाह ये ना डर इनका ख़त्म होता जा रहा है, और अभी मैं जिस तरह भी हाथ वगैरह लगाते हैं ना भागते नहीं है ये, माशाल्लाह टेम होते जा रहे हैं, और अभी इनके आगे भी बाजरा वगैरह रख दिया है, और ये भी खा पी लेंगे इधर, तो अभी इनको करते हैं बंद इधर। और स्नो देखें माशाल्लाह किले ही घूम रहे बैर, स्नो के जो दोस्त हैं ना सारे कबूतर वगैरह वो भी चले गए अंदर, और स्नो भी अकेला ही बाहर रह गया, और जो जख्मी कबूतर था वो भी अभी अंदर ही चला गया, उसको फिर ना कहीं मार रहे हैं वो, देखें जरा मार रहे हैं उसको, इसको निकालते हैं बैर, क्योंकि इसको ये कर देंगे ज़ख्मी दोबारा। तो दोस्तों करते हैं लैदा ही बंद, क्योंकि इसको मार मार के इसकी हालत वो ख़राब कर देंगे दोबारा, तो आगे इसका ट्रीटमेंट किया है और ये बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। तो उसके बाद जो है ना कबूतर और कबूतरी दोनों बच्चों को फीड करा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ भी आपको। देखें दोस्तों माशाल्लाह कबूतर और कबूतरी दोनों बच्चों को ना फीड करा रहे हैं सही अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये कबूतरी माशाल्लाह अंडों को सही तरह इनक्यूबेट कर रही है, तो ये चेक करें माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ भाई दोस्तों बड़ी बिल्लियाँ होती हैं और न्यूले वगैरह होते हैं, और रानी आ जाती है इस सेट जाड़ियों में, तो ये देखें जरा इधर पहुँची हुई है, इसको ले भी सकते हैं अभी वापस। चलो उधर ये देखें जरा कहाँ कहाँ से घुस के जा रहे हैं अंदर, तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से ये जाते होंगे गुजर के, उस सेट चली गई है अभी। तो जी आ गए, चलो उस सेट घूमो। यहाँ पे दोस्तों इतना मैंने फेंका हुआ है, दाना भी फेंका हुआ है, बाजरे भी फेंका हुआ है, और खुला फेंका हुआ है, लेकिन जो ये रानी है ना ये चूज़ों को लेके पहुँचती है उस साइड, ठीक है बंग वाली साइड, और वहाँ पे गांधी गांध है और कुछ भी नहीं है। चलो 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 राजा जी। दोस्तों राजे को मैं खोलता हूँ ना, ये दस्ती जाता है अपने घर में, तो इसको अपने घर की बहुत अच्छी पहचान होगी। चलो राजा जी, ओए राजा लगे भी तो स्नो बंद है, और इस साइड ये पड़ा हुआ कोइन कंडा, तो कहीं ऐसा ना होगा राजा जब मारे कोइन कंडा ही टूट जाए। तो राजा ने कह जी मैंने स्नो को बंद किया हुआ है, स्नो को भी निकालते हैं बाहर ताकि राजा अपने घर में जाए। ओए किधर है दोस्तों, स्नो गिरा नीचे आज, बच्चे तो हो गया इसकी शुक्र है, तो इसको बंद करते हैं इधर।
चलो जी, चलो जी राजा जी, केज खाली हो गया तुम्हारा, चलो राजा जी। दोस्तों चूजों को अंदर कर दिया है, अर्बन गैंग को अंदर कर दिया है और काफ़ी टाइम लगा है, तो ओए अंदर बाहर नहीं आना वापस। ये देखें अंदर बाहर आ रहे हैं, इनको करते हैं बंद और रानी को भी अभी छोड़ते हैं इनके साथ ही अंदर। जी दोस्तों सब परिंदों को बंद कर दिया है, मुर्गों को भी, कबूतरों को भी और चुन्नू मुन्नू को भी, उसके अलावा रानी को भी और उसके गैंग को भी। तो दोस्तों आज मैंने किसी के आगे भी कपड़ा वगैरह नहीं किया क्योंकि मौसम ठीक है और बारिश का कोई चांस वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये थे मिराज के व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह कल नई वीडियो के अंदर, जब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।